साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 3 बार लगातार दिल्ली की सरकार चुनने का चुनाव होया, 2013 में, 2015 में, 2020 में, तीनों बार लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने। लगभग भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और बीजेपी की सियासी जमीन खिसक चुकी है दिल्ली से। यहाँ तक कि आज नगर निगम के चुनावों में भी अभूतपूर्व समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बड़े विश्वास से अपने बेटे, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताकर एक विश्वास मत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाई और भाजपा की नगर निगम में चल रहे कुकर्मों पर ताला लगाया। लेकिन जब भाजपा ये समझ गई कि अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती, बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डीस्टेबलाइज किया जाए। और डीस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें दरकिनार कर उन्हें एक प्रकार से इस स्थान के योग्य नाक करारते हुए एक खास अफसर को उनके सुपर एनिमेशन यानी कि उनकी रिटायरमेंट की तिथि के उपरांत भी एक्सटेंशन दे दिया गया और कहा कि आप अभी और कई महीने दिल्ली सरकार की सेवा करें, दिल्ली सरकार में बने रहें और अपना कार्यभार संभाले रखिए। ये बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर हथकंडे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्ट्रूमेंट्स सरकार अपनाती है जब आपातकाल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से कई सारे आरोपों को, विवादों को झेल रहे हैं,